अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने हॉस्पिटल की हकीकत रखना चाहती हूँ। अक्सर जनरल वार्ड के लोग समझते हैं कि प्राइवेट रूम वाले बहुत अच्छे से रहते हैं। प्राइवेट वाले सोचते हैं इतना पैसा डालने के बावजूद भी घर के जैसा सुकून नहीं मिलता है तो जनरल वार्ड ही ले लेते। ये मेरा वीडियो आखिर तक आप देखो। तो फिर मैं डॉक्टर क्या करूँ? देखो, आपकी शुगर ना बहुत बढ़ गई है। एक काम करो, 8 दिन के लिए आप एडमिट हो जाओ हमारे हॉस्पिटल में। चाहिए तो एक प्राइवेट रूम ले लो, आराम करो, फिर हम देखते आगे क्या करना है। जो आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। चलो ठीक है, आती हूँ। बहुत सुकून लग रहा है। सुबह 6 बजे। कौन है? क्लीनिंग। आओ कर लो। सोची जरा, आराम से बैठो। सुबह 6 बजे ही आप लोग आ जाते हो। A few moments later. चलो क्लीनिंग तो हो गई, अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। हर फ्रेश हो गया रूम। सुबह 7 बजे। कौन आ गया? कौन है? बेडशीट क्लीन करनी है, उतरिए नीचे। करिए। A little later. वेट भी अच्छा लग रहा है, मैं और आराम करूंगी। सुबह 8 बजे। अब कौन है? बाथरूम क्लीन करना है माँ जी। जाओ और कर लो वहां से। ओके। अब देखते रहो ये जब तक जाएंगे नहीं, जब तक। Moments later. अच्छी बात है, हो गया ना। जाओ अभी, अब मैं आराम करूंगी। सुबह 9 बजे। मैं आराम करने के लिए आई हुई हूँ। कॉफी चाय? हाँ सर, मैं तो बहुत दर्द हो रहा, एक कॉफी दो। बहुत सर में दर्द हो रहा था, चलो कॉफी पी के जरा आराम ले लेना। अब कॉफी तो हो गई, अभी और थोड़ी देर आराम करती हूँ। और अब कोई ना आए, प्राइवेट रूम ली हूँ मैंने, आराम तो मिलना जरूरी है। सुबह 10 बजे। कौन है? बाजी डस्टबिन है, उधर से लेके चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। मैं आराम करने के लिए आई थी प्राइवेट रूम में, मगर आराम तो नाम को नहीं है। 6 बजे से बस ये आता वो आता, अब मुझे कोई मत जगाना। सुबह 11 बजे। अब कचरा हो गया, बाथरूम साफ हो गया, बेडशीट बदल गई। अब कौन है भाई? माँ जी शुगर चेक करना है। करो। हो गया। ओ माय गॉड, शुगर तो बहुत बढ़ गई आपकी। आराम करो आप, आराम। सुबह 6 बजे से जगा दिए, कभी रूम वाला आता, कभी बेडशीट वाला आता, कभी ये, तो शुगर बढ़ेंगी नहीं तो क्या कम होंगे? आप मुझे आराम करने दो। ठीक है आराम करो, आराम। दोपहर 12 बजे। नहीं हूँ मैं रूम में, मैं आराम करने के लिए चले गई हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? सुबह 6 बजे से जगी हुई हूँ मैं। अच्छा, वॉक करने गई थी? इससे अच्छा होता आराम करने की जगह मैं वॉक करने चले गई होती। क्या मतलब? शुगर तो इतनी बड़ी हुई है आपकी, आराम करने बोला था ना। आराम करने दे तो करूँ ना मैं। चलो इंजेक्शन लिख दिया है मैंने, अभी आप लेके आराम कर लो। देखो कब तक आराम मिलता है, सुबह से तो नहीं मिला। दोपहर 2 बजे। ये आवाज तो कुछ ऐसी जानी पहचानी लग रही है, जैसे स्कूल में लंच के टाइम घंटी बजती थी। अभी कौन है? लंच। हाँ, पहले लाके दो, बहुत भूख लगी। ये खाना कैसा दिया मेरे को, फिक्का उबला हुआ, कैसा खाऊंगी मैं? इसमें जरा भी चाव नहीं है, मैं खाना भी नहीं खाती। मैं आराम करूंगी, मैं आराम करने के लिए आई। दोपहर 3 बजे। अब मैंने खाना भी नहीं खाई। अब कौन है? इंजेक्शन लेना ना। हाँ दे दो भाई।
इससे तो भी कम हो जाए शुगर, आराम तो तुम लोग करने दे रहे नहीं। दो इंजेक्शन। दोपहर 4 बजे। अभी ये सब करते करते 4 बज गए, इंजेक्शन भी हो गया, अब मैं सुकून से सोती हूँ। कौन है? अरे 4 से 6 अपना विजिटिंग टाइम है, क्या बोलते, बहुत मजे, एसी, टीवी, क्या बातें, प्राइवेट रूम, मजे है तुम्हारे तो। हाँ हाँ वही, बहुत मजे है, सुबह 6 बजे से मजे कर रही हूँ मैं। वाह, चलो सब कैसे? सब बढ़िया, आपकी हालत तो और खराब लग रही है। क्या हो गया माँ जी? मेरे को बहुत चक्कर आ रही है। डॉक्टर कहाँ पर हो, जल्दी आओ डॉक्टर। हमारी माँ जी को क्या हो गया ये? डॉक्टर इनकी शुगर इतनी बढ़ गई, प्राइवेट रूम में रखे, इतनी फैसिलिटीज दिए, फिर उनकी हालत ऐसी कैसे हुई? बोल रहे थे 6 बजे से किसी ने आराम ही नहीं करने दिया उनको, कोई ना कोई आ ही जाता है, क्या फायदा ऐसा। नींद नींद आराम, गनी मेरी जान सो जा, गनी सो जा। आज की वीडियो की यह हकीकत है, चाहे प्राइवेट रूम हो या जनरल वार्ड हो, आराम कहीं पे नहीं मिलता है। इसके लिए सब अपनी सेहत पे ध्यान दो और पानी ज़्यादा पियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो, और कमेंट करके बताओ आप किस चीज़ की हकीकत जाननी है। अल्लाह हाफिज़। चेंज करनी है सुबह 6 बजे। लगता है ये सब शुगर उनके सर पर चढ़ रही है। सुबह 6 बजे से जगी हुई हूँ मैं। बहुत हंसी आ रही, नहीं सुबह लो मैं का शुगर तो बहुत बढ़ गई। सुबह 6 बजे से जगी हुई हूँ मैं। माँ जी डस्टबिन। मेरे को हंसी आती, मैं क्या करूँ। हाँ चल। कौन आएगा ये पर? कचरा नहीं। हाँ कचरे वाली। मेरे से ये नहीं आगे पीछे होगा।